हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज अपने पास Redmi Note 10s स्मार्टफोन, और गाइस आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि आप लोग Redmi Note 10s स्मार्टफोन में जो इनकमिंग कॉल नॉट शोइंग प्रॉब्लम आ रही है उसे आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलेगी। तो गाइस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें, साथ ही आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए गाइस आज की वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस इनकमिंग कॉल नॉट शोइंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वो चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझनी है। उसके लिए गाइस आपको सिंपली जाना होगा अपनी फोन की सेटिंग में। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी फोन की सेटिंग में आ चुका हूँ। जैसे आप लोग अपनी फोन की सेटिंग में जाओगे तो गाइस आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर एक सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और गाइस आपको यहाँ पे सर्च करना है इनकमिंग कॉल, इस तरीके से आपको यहाँ पे इनकमिंग कॉल आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे तो आपको जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखेगा आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। और गाइस आपको यहाँ पे जितनी भी सेटिंग दिख रही है ना, आपको सिंपली जो भी अगर सेटिंग ऑफ है ना तो गाइस आपको सिंपली ऑन कर देना है, कोई भी सेटिंग को आपको यहाँ पे ऑफ नहीं रखना है। उसके बाद गाइस आ जाना है आपको बैक आने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का, आपको सिंपली एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज एप्स का, आपको सिंपली मैनेज एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशंस है ना आपको यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब गाइस आपको यहाँ पे अपने फोन डायलर है उसे आपको यहाँ पे इस तरीके से ढूंढ लेना है, या अगर आपको सर्च करना है तो आप लोग ऊपर सर्च भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फोन सर्विस का जो ऑप्शन आ रहा है ना, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको साइट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे क्लियर डाटा का, आपको सिंपली इस पे क्लियर डाटा और क्लियर चेंज दोनों कर देना है। मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। और आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद गाइस आपको आ जाना है बैक, और गाइस आपको अपने फोन को एक बार रीबूट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है इनकमिंग नॉट शोइंग प्रॉब्लम वो एकदम से फिक्स हो जाएगी, आप भी इसी तरीके से ठीक कर सकते हो। आई होप आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें, साथ ही आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।